वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं क्रिकेट वाली दुनिया और आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्रिकेट के 10 हाई वोल्टेज मोमेंट। नंबर 10 पर जो क्लिप है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 2013 में मैचेस सीरीज के चौथे मैच का है, जब जॉनसन बॉल फेंकने के लिए आते हैं लेकिन केबर पीटरसन साइड स्क्रीन की वजह से हट जाते हैं। इसे जॉनसन गुस्सा होकर बॉल को थ्रो कर देते हैं और इसके बाद की गर्मा गर्मी मैदान पर साफ तौर से देखी जा सकती है। इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी जॉनसन अपनी बायोग्राफी में बताते हैं, जहां वो बताते हैं कि वार्म अप के दौरान पीटरसन जानबूझकर बॉल उनकी तरफ मार रहे थे। इसकी वजह से मैदान के बाहर भी उनके बीच झगड़ा हो चुका था और शायद वही गुस्सा मैदान के बाहर भी देखने को मिल गया। ये इंसिडेंट 2013 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुए T20 मैच का है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 4 रनों की आवश्यकता होती है। श्रीलंकन खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज फील्डिंग सेट करने के लिए टाइम ले रहे थे, जिस पर मैक्सवेल और श्रीलंकन प्लेयर की आपस में कहासुनी हो जाती है। Body language is pretty universal though. You can work out what those boys are. That is a courageous ball to bowl, that last ball. Two had already gone. You can see the discussion still going. Not happy at all, some of these players. So the series has been 1-2-0. बाद में मैक्सवेल ने इंटरनेट पर श्रीलंका प्लेयर से माफी भी मांगी थी। ये वीडियो 2011 वर्ल्ड कप के पहले मैच का है, जहां विराट कोहली बांग्लादेशी खिलाड़ी रूबल हुसैन को वर्बली अब्यूज करते देखे गए। यू ऑल्सो नो कि विराट कोहली अपने करियर की अर्ली एज में कितने ज्यादा अग्रेसिव थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच की राइवलरी अंडर-19 से चल रही होती है, जो अक्सर मैदान पर भी देखने को मिल जाती थी। एक क्लिप पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अगस्त 2014 में हुए था T20I मैच का है। श्रीलंका की बैटिंग के दौरान अहमद शहजाद और दिलशान के बीच में खास हो जाती है एंड शहजाद दिलशान को धक्का भी मार देते हैं। इस मैच के बाद एक और सीन आता है जिसमें खिलाड़ी मैदान के बाहर जा रहे होते हैं, तब अहमद शहजाद दिलशान को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं, जो आप इस क्लिप में साफ तरीके से सुन सकते हैं। Duckworth Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth Lewis rule. And Sri Lanka winning by 7 wickets through the. Duckworth Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth. ए इंसिडेंट 2017 में हुए कैरेबियन प्रीमियर लीग का है। पारी के 16वें ओवर में रैकिंग काम ओवर बैटिंग कर रहे होते हैं, तब पोलार्ड की एक बॉल उनके पेट में लग जाती है, जिसके बाद रैकिंग पेन की वजह से 18वें ओवर में 40 गेंद में 78 रन बनाकर रिटायर होकर जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच पोलार्ड 6.5 फीट लंबे 143 किलो के कॉनवर्ड को ना खेल पाने की वजह से सुनाने लग जाते हैं, जो कि इस क्लिप में साफ तौर से देखा जा सकता है। No, that is not in keeping. I suppose the leading West Indian Rakeem Cornwall was at the centre of this controversial incident in the Caribbean Premier League on Friday. And these Pollard is letting him know that that is not in keeping. I suppose you can call it fairness. ये क्लिप 2009 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुए नागपुर वनडे का है। पहली इनिंग के 28वें ओवर में जब धोनी रन के लिए दौड़ते हैं, तब जॉनसन उनके रास्ते में आ जाते हैं और धोनी जॉनसन से टकराकर नीचे गिर जाते हैं, और इसके बाद तो धोनी का गुस्सा आप देख ही सकते हैं। Well, I think Dhoni is upset. He's very upset that Johnson didn't move out of the way. Let's just have a look at that. It's off the back foot, so difficult to take off. Quick work from Ricky Ponting. The collision there. Oh, it'd have been disastrous for India. The director, he'd have been gone. And Dhoni wasn't happy. I have to say that Mitchell Johnson wasn't looking at the batsman, so he had no clue. इस इंसिडेंट के बदले में धोनी अगली ही गेंद पर एक कड़क चौका मार देते हैं। इसके बाद धोनी ने 107 रनों की शतकीय पारी खेली और इंडिया ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 354 रनों का टारगेट दिया था। ये इंसिडेंट एशिया कप 2010 का है। गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे होते हैं, शाहिद अजमल की गेंद पर कामरान अजमल कार्ड बियाइंड की अपील करते हैं, लेकिन गंभीर आउट नहीं होते हैं। इसके बाद में दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो जाती है, तभी धोनी बीच बचाव करते हुए हंसते हुए गंभीर को दूर ले जाते हैं। Particularly Cameron Akmal against Gautam Gambhir. There we go. And he's convinced something has happened. Then during the drinks break, words were exchanged. Umpires had to intervene. Dhoni's had to pull Gambhir aside.
chat continued. And Billy Bowden has jumped in there and just settled Matt. ये क्लिप भी सेम मैच का है। मैच की सेकंड इनिंग का 47वां ओवर शोएब अख्तर डाल रहे होते हैं और क्रीज पर हरभजन सिंह होते हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर हरभजन सिंह शोएब को छक्का मार देते हैं। इसके बाद शोएब अख्तर मैच का 49वां ओवर लेकर आते हैं तो आखिरी दो गेंदों पर हरभजन सिंह क्रीज पर होते हैं। शोएब उनको दो बाउंसर डालकर डार्ट निकाल देते हैं। इस पर दोनों ही खिलाड़ियों में कहा सुनी जाती है। मैच काफी रोमांचक था। आखिरी की दो गेंदों पर भारत को जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता होती है लेकिन हरभजन सिंह मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का मारकर मैच को जिता देते हैं। But have a look at this one. What a great finish. In the zone for Harbhajan Singh. The moment he stroked it, the hands went high up in the air. And what a strike. Harbhajan Singh, the hero. Harbhajan Singh, the king. Fantastic pictures. What a game. That wasn't very nice, but... ये इंसिडेंट 2007 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई वनडे सीरीज का है। इसमें गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी आपस में भिड़ जाते हैं एंड देसी में गाली गलौज भी बोलते हैं। शाहिद अफरीदी को धक्का भी लगा। गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं, अफरीदी उनसे आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं। आग नजर आ रही है जरूर, ये तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रवि, लिप रीडिंग आपको आती है? मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा, हाँ, और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत होगी। एम गोल्ड, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या समझा रहे हैं क्योंकि जो कहा गया है वो तो एक लिए पाकिस्तान सुपर लीग का है जहां श्याम बहाव रियाज अपनी वाल पर अहमद साहब को क्लीन बोल्ड कर देते हैं एंड फिर इसके बाद का सीन तो आप देख ही सकते हैं। Whoa, there's a physical contact as well. Whoa, whoa, whoa. Not needed. It's hotting up. It really is hotting up. Plenty of action and maybe an overreaction and आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा।